ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए, किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वहीं लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्वरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय। तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर विल्वरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर विल्वरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं, तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स और एक लगाया रोड टैक्स। दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर विल्वरफोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको। तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर विल्वरफोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे, कमाएंगे मुनाफा, मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर वहां लूटो इनको, तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी उद्योगपति पैसा कमाएगा, मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पर फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। 23 तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया।